नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आज संजीव जी खास मुझे वेजिटेरियन ट्रीट के लिए लेके जा रहे हैं और आप जानते हैं कि मैं वेज हूँ और मुझे वेज खाना बहुत पसंद है। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं ये नहीं बताया है, ये बताया है कि साउथ इंडिया दैट इज़ तमिलनाडु का खाना खिलाने ले जा रहे हैं और मुझे साउथ इंडियन फूड दैट इज़ तमिलनाडु का खाना बहुत पसंद है। जी हाँ, सब कुछ तो इन्होंने बता दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता ना कि कहाँ जा रहे हैं। ये नहीं पता और ये नहीं पता कि वहाँ पर खाने में क्या क्या मिलेगा। जो मिलेगा हम तो मजे से खाएंगे। और ये भी नहीं पता कि वो खाना कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? अरे तरीके होते हैं खाना सर्व करने के, ये सारे चीजें आपको वहीं चलकर पता चलेंगी। तो आइए सबको यहाँ बोल दूंगा तो फिर वहाँ जाकर आपको सरप्राइज कैसे करूंगा। आइए चले, चलिए आप हमारे साथ चलिए। ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है, मतलब अच्छा। पहुंच जाएंगे 20-25 मिनट के अंदर। हाँ, बारिश में ट्रैफिक भी बहुत होता है ना, अच्छा हुआ पास ही ले जा रहे हो। बारिश बंद है, दैट इज गुड। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं कांदीवली ईस्ट और ये है चेट्टीनाड टिफिन हाउस और ये है हमारे दोस्त अलगप्पा। अब अलगप्पा का मैंने मतलब इनसे पूछा, वो इंसान जो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए हमको खाना खिलाते हैं, तो उनका नाम होता है अलगप्पा। कितने स्वीट हैं, कितने प्यारे हैं और यहाँ का खाना भी प्यारा होगा। तो लता जी, सरप्राइज की जो हमने बात की थी कि यहाँ पर आपको तो पता है तमिलनाडु का खाना मिलेगा, नाम ही चेट्टीनाड टिफिन हाउस है, तो क्या उम्मीद कर रही हैं आपको, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा आज? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मतलब वेज की काफी वैरायटी होगी शायद, ये उम्मीद कर रही हूँ। आपको केले के पत्ते में मिल जाए। वाओ, रियली 16 अलग तरह की डिशेस, 16 अमेजिंग, अनलिमिटेड। ये भी सुन लीजिए, अनलिमिटेड। तो बाकी की बातें मैं आपसे अंदर जाके करूंगा और यहाँ के ओनर से भी बात करते हैं कि इनका ये जो टिपिकल या कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया और उसमें क्या क्या ऑफरिंग्स हैं हमारे लिए। आइए चलते हैं चेट्टीनाड टिफिन हाउस के अंदर। I'm all excited about केले का पत्ता, उस पे खाना खाने का मजा ही कुछ और है। आइए। हे हर्ष, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे? दर्शन भाई, लता। ओके हर्ष, अमेजिंग प्लेस, स्मॉल, कोजी। अंदर आके जाना, वो जो होमली फीलिंग होती है ना, और वो चेट्टीनाड और तमिलनाडु की फीलिंग है, तस्वीरें देखकर वो तो हम लोग उस फीलिंग में आ चुके हैं। और खुशबू भी आ रही है किचन से, सांभर की, रस्सियों की हल्की हल्की। और ये जो मैम है ना, ये आपका जो वेजिटेरियन ब्रंच जो आपने एक्सक्लूसिवली सैटरडे संडे को शुरू किया है, एंड सिर्फ दोपहर को होता है? सिर्फ दोपहर 11 बजे से लेके 3 बजे। अच्छा, मतलब इस ब्रेकफास्ट एंड लंच हो गया था, सिर्फ ब्रंच, सो 11 टू 3। एंड आपका ये जो रेस्टोरेंट है ये एक्सक्लूसिवली वेजिटेरियन है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ? इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स वेज एंड नॉन वेज बोथ, दोनों, बट दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन सैटरडे संडे, 11 से 3। तो दोस्तों 11 से 3 अगर आपको इनका जो ब्रंच स्प्रेड है ना खाना है, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए, क्योंकि मैंने इतना कुछ सुन चुका इसके बारे में और मैंने इनका मेन्यू भी स्टडी किया है, मैंने देखा उसके अंदर 16 डिशेस की वैरायटी है और ऑल वेज, ऑल वेज, वाओ, और वो भी अनलिमिटेड। तो नाउ वी कांट वेट हर्ष, हम लोग बैठते हैं और आप शुरू कीजिए अपने खाने का प्रोग्राम। बैठिए मैम। आज एक अच्छी बात है, पता क्या? क्या? क्या कंफ्यूजन नहीं है कि क्या खाएं, क्या ऑर्डर करें। सीधा बेस्ट है, अनलिमिटेड ब्रंच करते हैं, है कि नहीं? सही बात है, बिल्कुल। सो जस्ट लेट्स वेट फॉर इट, लेट्स एंड वेट फॉर द 16 डिशेस टू अराइव। आई होप दे आर नॉट योर 16 विशेस। एक एक बाइट लेते लेते पेट भर जाएगा मेरा तो। तो दोस्तों हमने तो अपना जो खाना है वो ऑर्डर कर दिया और जैसे कि मैंने आपसे कहा हमें उसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चेट्टीनाड टिफिन हाउस है इनके पास वैरायटी ऑफ डिशेस फ्रॉम तमिलनाडु है ना, ये कहानियां बनती जा रही हैं, रीलें बनती जा रही हैं साथ साथ। और क्या, आप लोगों के लिए स्टोरीज डालनी जरूरी है ना, अच्छा लगेगा देख के आप लोगों को। तो देखो वेजिटेरियन में भी तुम्हारे लिए बहुत वैरायटी है और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत वैरायटी है, चिकन की बहुत सारी डिशेज हैं, मटन की डिशेज हैं, प्रॉन्स की डिशेज हैं, इनके पास थालीज भी हैं। और ये मुझे बड़ी एक अच्छी मतलब वेरी सरप्राइजिंग और क्यूरियस चीज़ लगी, चेट्टीनाड स्पेशल सिजलर्स, वो भी हैं इनके पास, एंड ऑल दी पॉसिबल थिंग्स जो आप सोच सकते हैं ना कि तमिलनाडु से आती होंगी, उनका एक बहुत ही अच्छा और सेलेक्टेड मेन्यू बनाया है इन्होंने। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल तो आपको मिल ही जाएगा जब हमारा ब्रंच हमारे सामने आएगा, वेजिटेरियन डेलिकेसीज का। लेकिन नॉन वेजिटेरियंस डिसअपॉइंट मत होइए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन क्योंकि आज हम किसी को प्रॉमिस करके आए हैं
कि हम वेजिटेरियन खाएंगे, इसलिए आज हम वेजिटेरियन ही खाएंगे। कभी फिर आएंगे इस जगह पर और अपने नॉन वेजिटेरियन दोस्तों को यहाँ की नॉन वेजिटेरियन वैरायटी भी दिखाएंगे। ओके, यहाँ पे आई हूँ ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं पहले फिल्टर कॉफी पी लूँ। खाने से पहले कॉफी पेट नहीं भर जाएगा? नहीं, ब्लैक पी लूंगी ना, उससे नहीं भरेगा, थोड़ी सी मन कर रहा है। लेकिन इनका जो ब्रंच है जो हम खा रहे हैं उसमें कॉफी इंक्लूडेड है, आएगी खाने के बाद? हाँ, लेकिन बाद में आएगी ना, मुझे पहले चाहिए, प्लीज मंगा दो ना। खाने से पहले कौन कॉफी यार, देखो मंगा दो ना, कॉफी के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बोल सकते भैया, मंगानी पड़ेगी, मंगा देते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, ये हमारे जो है ना दोस्तों, कॉफी आ चुकी है और यहाँ पर लता मैम यूट्यूब पर लाइव है। तो जब आप इस ब्लॉग को YouTube पे देखेंगे तब तक आपके पास ये लाइव आ चुका होगा। यस, हाय जी, हाय हेलो हो रही है और कॉफी पीजिए, अब आ गई कॉफी आपकी। सिप ऑफ इट। बट हाय मोनिका, हाय, टेस्ट मैं करके दिखाऊंगा पहले। तो आप करिए टेस्ट फिर जल्दी से मुझे मिले। पहले मैं मना कर रहा था, मैं खुद ही पीऊं, लेकिन ये इसमें डाल के पीते हैं ना। हाँ, ये कैसे डालेंगे हम? थोड़ा मैं डालता हूं, रुको, गरम बहुत है। ओके, हां, हाय लकी, बहुत गरम है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड। देखो मैं पहले मना कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, अब सबसे पहले किसी को खुद ही ले रहे हैं, दिस इज स्ट्रांग, मतलब पी के देख रहा हूं, अगर अच्छी हुई तो ही तुमको दूंगा। हां, हाय जैकवीन, यू नो हम जब भी फूड ब्लॉग शूट करने आते हैं ना, टच वुड, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई शूट करने आई हूं। इतना मजा आ रहा है संजीव जी के साथ, हंसते रहते हैं, मजे करते रहते हैं। एंड हमारे जो तुषार जी हैं, ये भी ना, ये लोग मिलके मेरी बहुत कुछ खिंचाई करते हैं, वैसे कम नहीं है एकदम ये लोग। अरे केले के पत्ते आ गए, वाह भैया वाह, पत्ते का साइज देख के पता चल रहा है ना। डिशेस बहुत सारी हैं, इनकी डिशेस बहुत सारी हैं। ओहो, नाइस नाइस एंड फ्रेश। ओके, शुरुआत हो गई है। क्या क्या है बता दे जाओ। सांबर राइस है, सांबर राइस मिक्स ऑलरेडी, प्री मिक्स। ओके, धुआं निकल रहा है, मुझे ना थोड़ा थोड़ा ही सब डालना, बिकॉज़ आई वांट टू टेस्ट एवरीथिंग। हां, सेम विद मी। हां, और चाहिए होगा तो और भी मंगा सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड है, है कि नहीं? And guys, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे, बिल्कुल खाना वेस्ट मत कीजिए, जितना चाहिए उतना ही लीजिए। लेमन सेवई है ये, लिटिल बिट लेमन सेवई, लेमन राइस जैसे होते हैं ना वैसे, ये सेमोलिना रवा वाली। और ये तो हमारा फेवरेट कर्ड राइस, और मेरी तली हुई हरी मिर्ची साथ में। मुझे इनसे हाफ डालिएगा, बिल्कुल हाफ डालिएगा उनसे, एक एक स्पून से ऊपर नहीं है। और वो क्या है? ये बटर पूरी। ये बेस कैरेट पूरी की सब। ओके, ये तो हमेशा होती है, इसका नाम है ना कुछ, बेस कैरेट पूरी। हां, पूरी यार कर रहे हैं। आई लाइक दिस सब्जी, यस दिस इज वेरी गुड। ये साउथ इंडियन खाने की एक बात है दोस्तों, बस बस, थैंक यू, हेल्दी होता है, वेरी लेस ऑयली एंड वेरी हेल्दी। हर चीज देखो ना जो भी आई है, इसमें जरा भी तेल या कुछ नहीं, तेल वाली भी दिख रही है, अलग से आएगी आपके पास, पहुंचेगी प्योर तेल वाली। ये क्या है? उरलाई रोस्ट। उरलाई रोस्ट, आलू की सब्जी को बोला जाता है उरलाई रोस्ट। हां, आलू की सब्जी भी बड़ी डिलीशियस लग रही है। ओके, एंड दिस आई विल नॉट टेक, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगी, एक बाइट टेस्ट कर लूंगी। गाइस, यू नो, थोड़ा डीप फ्राइड मेडिसिन में पाइनएप्पल शीरा। ओके, ये भी पहले आ गया, चलो लाइए पाइनएप्पल शीरा। नाइस, गरम गरम धुआं निकल रहा है, क्या लग रहा है, अमेजिंग, लुक एट दिस वड़ा। ओ, वड़ा इज वेरी बड़ा, वड़ा इज रियली वेरी बड़ा। ओ, ये भी अलग से बनाना चिप्स, अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट है बनाना चिप्स। चटनी, इसकी कोकोनट की चटनी है। ओके, हां, ये भी बहुत पसंद है मुझे, वड़े के साथ खाई जाएगी। एंड बड़े अच्छे हाइजीनिकली सर्व हो रहा है सब कुछ, ग्लव्स वगैरह पहने हैं। नाइस, अभी देखते जा रहा हूं क्या क्या आ रहा है। ये मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तले में अगर खाना है तो बनाना चिप्स खाऊंगी। क्या आया? पिकल, ये पिकल। ओके, ये तो बड़ा अच्छा लगता है पिकल। ये अच्छा पिकल, अच्छा ये तुम्हारे लिए मेरे में डाल दिया, वेरी गुड। अच्छा, ये असली कॉफी आ गई, वाओ। ये क्योंकि ब्रंच है ना, ब्रंच में तो कॉफी भी आएगी। और ये क्या है? ये रसम आया है। व्हाट रसम, अमेजिंग। ओ, डोसा। ओके ओके ओके, ये भी आने आधा तक करेंगे। हां, मैं उनसे टेस्ट कर लूंगी, एक वन। हां, मेरी प्लेट में रखो, वो रहने दो।
तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये ब्रंच स्ट्रेट फ्रॉम चेट्टीनाड। तो मैंने पहले लिए बटर पोड़ी इडली, बटर में टॉस की हुई है, उसके ऊपर ये पोड़ी डाली हुई है, गन पाउडर भी बोलते हैं इसे, साथ में दिए इन्होंने कोकोनट चटनी, सांभर तो है ही, तो पहले मैं सिर्फ चटनी के साथ ये पोड़ी इडली, अरे खा भी नहीं, हम सुपर फास्ट हैं खाने में, सॉफ्ट इडली, वाओ जस्ट वाओ, गन पाउडर इज वो क्रिस्प एक टेक्सचर होता है उसका, बहुत स्वाद है, आई एम लविंग द क्रिस्प कड़ी पत्ता ऑन इट। तो दोस्तों अब ये जो साउथ इंडियन खाना है तो इसे क्यों ना उन्हीं के तरीके से यानी कि चेट्टीनाड के तरीके से खाया जाए। वाओ, तो ये मुझे बताया गया है कि ये लीजिए इडली सांभर, एक बाइट बड़े इतना सा बड़ा ले लीजिए, चूरा चूरा करो, हां हां सब दे रहा हूं, पहले ये कर ले एक प्लेट कंप्लीट, हां हां ये हुआ अभी इतना सा छोटा सा इसका भी हाफ आपके लिए बड़ा, अच्छा क्या बात है, ओहो गरम गरम पाइपिंग हॉट सांभर डालिए, वाओ क्या बात है, हाँ 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 चलेगा, हाँ अब इसे अपने हाथों से बड़े प्यार से, चटनी भी डालते हैं इसमें, चटनी साथ में थोड़ी लेंगे ना, और साथ में खाओ पापड़ या वो क्रिस्प खाते हैं ना साथ, थोड़ी चटनी भी लेंगे, इसमें थोड़ा सा रसम भी डाल रही हूँ, क्या बात है, कभी कभी रसम भी उस पर डाला जाता है, इनोवेशन, वेरी नाइस, जस्ट अमेजिंग, हॉट एंड डिलीशियस, एंड मैंने इस तरीके से ना पहली बार खाया फ्रेंड्स, तो अब लग रहा है हम ऐसे ही खाया करेंगे, डोसा खाती हूँ किसके साथ खाऊं, ये सब्जी के साथ खाती हूँ, बीन्स की जो सब्जी है ना क्या बोलते हैं इसको, पुरियाल, बीन कैरेट पुरियाल, बहुत लाइट सब्जी है, नारियल का हल्का फ्लेवर है, वेरी लाइटली कुक्ड, वेरी गुड वेरी गुड, मजेदार है, क्रंच है सब्जियों का, ओवर कुक जरा भी नहीं है, है ना, एंड रसम पीजे साथ में ऐसे, मैं तो पहली बार एक्चुअली ये पता है डोसे के साथ सब्जी खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये और वो क्या हिंग का फ्लेवर आया, हाँ हाँ है ना, हिंग टमेटो टैंगी, मजेदार, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रही हूँ डोसे के साथ सब्जी, हाँ? हमने खाया है लेकिन राइस के साथ खाई भी है, रोलाई रोस्ट और ये साथ में डोसा, क्या बात है, ये हो गया मसाला डोसा, रोलाई रोस्ट एंड डोसा, इट्स क्वाइट अ बैलेंस्ड मील एक्चुअली, वेरी माइल्डली फ्लेवर्ड, और वो जो सारी चीजें पढ़नी चाहिए तमिलनाडु के खाने में, करी लीव्स राई सब कुछ बराबर पड़ा हुआ है, बहुत ही हल्की डिश है, तुमने ट्राई की है आलू की सब्जी, हाँ हाँ की ना, की क्या, तुम तो खा चुकी हो, खाली है थोड़ी सी बची, मैं ट्राई करते जा रहा हूँ और यहाँ खा चुके हैं, फ्रेंड्स आपको बताना मैं ब्लॉग में जब इनके साथ आती हूँ तो मेरा ध्यान खाने पे ज्यादा होता है, ये आपको खाने के बारे में बताते हैं, मैं खाती हूँ दोनों सब्जियाँ सुपर हिट, आलू की भी और कैरेट और बीन्स की भी, डोसे के साथ ग्रेट कॉम्बिनेशन, मतलब वैसे हम लोग मसाला डोसा खाते हैं उसमें भी आलू होते हैं लेकिन ये आलू की सब्जी के साथ डोसे का टेस्ट अलग ही आ रहा है, तरीका जो है जैसे मैं कह रहा था इंग्रेडिएंट्स भी अलग पड़े हुए हैं आलू की सब्जी में, जो कि नॉर्मल जो हम लोग मसाला डोसे में मसाला खाते हैं, हाँ वैसा नहीं है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो टेस्ट कितना अलग और कितना डिलाइटफुल लग रहा है टेस्ट, आई एम ग्लैड कि ये वेज खाना इतने स्वाद से और खुशी-खुशी खा रहे हैं, यस एंड जेन्युइनली, हां जेन्युइनली, हां नहीं तो इनकी शक्ल पे पता चल जाता है एक्चुअली, पता चलता ना खाने के मामले में, ही जस्ट कैन नॉट एक्ट, ही हैज टू बी जेन्युइन, चटनी फ्रेश कंप्लीट, क्या बोलते हैं हेवनली मील, यस। अब मैं खा रही हूँ सांबर राइस जो एक मिक्स वाले थोड़े से दिए थे वो, ये भी फर्स्ट टाइम नहीं है कि पहले से ही प्री मिक्स सांबर राइस आया, हाँ अच्छा लग रहा है मुझे ये ऑलरेडी मिक्स हुए सांबर, तो सिमिलर है टेस्ट, हाँ बट यस क्योंकि हमने उसमें डोसे के साथ खाया, इडली के साथ खाया, राइस के साथ नहीं खाया था, तो सांबर राइस इज ऑल्सो देयर एंड बिकॉज अनलिमिटेड है, जिनको सिर्फ सांबर राइस खाना हो देख लें ऑर्डर, मतलब देखें आस्क फॉर मोर, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, सांबर चावल बोलते हैं हम इसे, जब हम पापड़ नहीं खा रहे हो, पापड़ तो खाओ उसके ऊपर तोड़ के डाल के खाते हैं वैसे तो, है ना क्रिस्प लगता है ना सांभर राइस पापड़, जब हम छोटे थे ना स्कूल जाते थे
तो हमारी वन ऑफ दी फेवरेट डिशेस हुआ करती थी सांभर चावल। अच्छा, मम्मी बना के दिया करती थी टिफिन में, मिक्स करके ऐसे। हां, मिक्स करके ले जाते थे। अरे वाह। या खा के जाते थे, व्हाटएवर। पापड़ का क्रंच मजा आ रहा है। मजा आता चावल में। ये जो लेमन सिवाई है ना, दिस इज अ परफेक्ट टिफिन रेसिपी। हम ये रेसिपी ट्राई भी करेंगे और आरफ के टिफिन के लिए बनाएंगे भी। पसंद आएगी उसको? बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, लेमन राइस तो मांगा था उसके लिए। हाँ। ये जो जो भी नूडल्स बोली या सिवाई बोली है, ये रवा की होती है या रवा की होती है। दिस इज नॉट मैदा, सो यू कैन ईट इट या राइस की होती है या रवा की। सो दिस इज लाइक ये राइस की है, दिस इज राइस, सो गिल्ट फ्री ईटिंग है एब्सोल्युटली। हर्ष कैमरा के पीछे खड़ा है, सामने आने से शर्माता है, फिर पीछे से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। थैंक यू हर्ष। सो परफेक्ट टिफिन रेसिपी दिस इज। मेरा फेवरेट आइटम एंड में क्यों आता है? मेरा भी ये कूलेंट होता है, इटली से लास्ट में ही खाना चाहिए। मुझे इतना पसंद है ना कर्ड राइस दोस्तों। हाँ। मैं क्या बताऊं, आई जस्ट लव दिस डिश। अदर लेकिन ये बेचारा लास्ट में मिलता है, उससे पहले ही ना इतनी चीजें खा चुके होते हैं हम, और हमारा पेट भर चुका होता है। उसके बाद अभी डिजर्ट भी खाना है। किस दिन मैं यहां आऊंगा और मैं सिर्फ कर्ड राइस खा रहा हूं, वन बिग बोल ऑफ कर्ड राइस। वो परफेक्ट कर्ड राइस, फ्रेश कर्ड, करी लीव्स और तड़का जबरदस्त है, मजेदार, सिंपल एंड टेस्टी। यार बहुत दिनों के बाद मैंने स्वादिष्ट वेजिटेरियन थाली खाई है। हाँ, बनाया करो ऐसे घर पे। तो दोस्तों खाना पूरा संपन्न हुआ है, लेकिन पाइनएप्पल शीरा अच्छा खाओ आप, बीच में टोक दिया, मतलब शीरा बहुत ही स्वाद है। खा के देखना पड़ेगा। I don't know, लौंग का फ्लेवर है क्या? कुछ अलग फ्लेवर है, which is very good and very surprising. का ही है, ये देखिए। This is the first time that I'm eating लौंग के फ्लेवर वाला पाइनएप्पल शीरा and I'm surprised, ये अच्छा भी लग रहा है काफी। क्या बात है, अच्छे क्वांटिटी में लौंग पड़ी है, 3-4 मुझे मिल गई है, लेकिन इनका फ्लेवर इस शीरे को एक अलग डायमेंशन, एक अलग टेस्ट दे रहा है। ऐसा कभी पाइनएप्पल शीरा नहीं खाया एक्चुअली। यस वही ना, जो तो क्या सही लौंग मेरे पास ही आ रही है। इलायची तो खाई है, लौंग कभी नहीं खाया। जैसे घर में होता है ना, मुझे हरी मिर्च चाहिए होती है डिश में, सारी हरी मिर्चें तुम्हारे पास आ जाती हैं, वैसे सारी लौंग मेरे पास आ गई है। लेकिन मज़ा आ गया इस शीरे का। चलिए अब इसको जो है लपेट देते हैं ऐसे। हाँ, ये ऐसे हमारे पत्ते ओवरलैप हो रहे, बड़े पत्ते हैं ना ज्यादा डिशेस। अरे दिस और ये ऐसे एंड ये डबल। यस ओके, दिस इज द वे। And let's thank God, thank you universe for this lovely, lovely food. Thank you Chetina Tiffin House for this amazing feast. Karya sampan, khana sampan. Bistar laga do bhai. Bahut hi mazedar khana tha dosto. To main to bahut highly recommend karunga isko. Same here. Main bhi highly recommend karungi because ek to heavy nahi hai bilkul bhi. And aap heavy cheeze minus karna chahte hain, jaise maine thali mein se minus ki, that is mendu wada hata sakte hain, papad hata sakte hain, deep fried, jo health conscious hai unke liye bol rahi hu. And you can just relish the food. Jo chahiye wo lijiye. Haan. Jo nahi chahiye wo mana kar dijiye. 16 item unlimited इनकी offering है आपके लिए Saturday और Sunday को 11 से 3 बजे तक. What is the price? ₹390 unlimited. Harsh, this 390 is with taxes or without taxes? Without. 390 plus taxes and unlimited 16 dishes, right? Authentically brought from Tamil Nadu. And we'll give the Google link in description. बिल्कुल, वो आपको मिल ही जाएगा. Number Google link दे देंगे. तो हम दोस्तों कॉफी एंजॉय करेंगे. मैं एंजॉय करूंगा क्योंकि ये पहले पी चुकी हैं. और आप भी हमारे अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए. तब तक अभी नहीं बोलूंगा, सबके साथ बोलूंगा, रुकिए. तो हर्ष थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया. तो दोस्तों जितने प्यार से इन्होंने खाना खिलाया ना, उससे हमारे खाने का स्वाद डबल हो गया. तो हम बहुत, तो जैसे पहले भी हम अंदर बोल चुके हैं, आपको रिकमेंड करते हैं ये रेस्टोरेंट. जब भी आप यहाँ हो कांदीवली ईस्ट में, अगर ना भी हो तो ढूंढ ढूंढ कर आइए. लता जी ने आपको बता दिया है कि गूगल का लिंक ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगी, तो आपको मिल जाएगा. तो वेरी गुड फूड एट चेटिना टिफिन हाउस. वी एंजॉयड मेकिंग दिस ब्लॉग फॉर यू. अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए, और तब तक आप सब खाइए पीजिए एश कीजिए. धन्यवाद.